कि हमारी पीरियड्स कभी आएंगी, क्या क्या होने वाला है जब पीरियड्स आता है. पीरियड, किसिंग, सेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं होती थी. पीरियड शुरू होने वाले हैं, हैड टू गो होम एंड माय मदर थ्रू अ पार्टी. पीरियड्स होना और उसके बारे में बात करना बहुत आम बात है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पीरियड्स के बारे में बात करने को बुरी नज़र से देखते हैं. बात जब समाज में बदलाव करने की आती है तो उसमें बॉलीवुड स्टार्स का बड़ा रोल आता है. अब पीरियड्स पर सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती, बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इस टॉपिक पर खुलकर बात करने लगी है. एक्ट्रेस अपनी पीरियड स्टोरी शेयर करके तमाम लड़कियों को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं. पीरियड में क्या खाना चाहिए, अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये भी तमाम लड़कियों को बताती हैं. करीना कपूर खान कई बार पीरियड्स में होने वाले दर्द, परेशानियों और मूड स्विंग्स के बारे में बात कर चुकी हैं. करीना ने कहा था कि पीरियड से डील करने का हर महिला का अपना तरीका होता है. कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जबकि कुछ को नहीं होता. पीरियड्स में काम मैनेज करने के बारे में करीना ने ई टाइम्स को दिए अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था, हो सकता है मुझे क्रैम्प्स ना हो, लेकिन जब मुझे पीरियड्स हो रहे थे तो मैं कुछ गाने शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने काम को उसे देखते हुए मैनेज किया. कंपनीज और प्रोडक्शन हाउस को इसे समझना चाहिए, यह नेचुरल चीज़ है. इस दौरान महिलाओं को वही करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट हो. सोनम कपूर 15 साल की थी जब उन्हें पहली बार पीरियड्स हुए थे. पीरियड्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए सोनम कपूर ने बताया था कि पीरियड्स के दौरान उन्हें कई जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं थी. सोनम ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है कि मेरी दादी पीरियड्स के दौरान कहती थी कि मंदिर या किचन में मत जाओ, अचार के आसपास मत रहो. जब शहर में रहकर हमें ये सुनने को मिला तो ज़रा सोचिए कि गाँव की लड़कियों को कितना सहना पड़ता होगा. आलिया भट्ट भी पीरियड्स के बारे में बात कर चुकी हैं. आलिया भट्ट ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि पीरियड्स होना काफ़ी नॉर्मल बात है. आलिया ने कहा था, मुझे परेशानी इस बात से है कि पीरियड्स में महिलाओं को धार्मिक जगहों पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं होती, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. महिलाओं को पीरियड्स में अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है, ये इस चीज़ को दिखाता है कि हम किसी जिंदगी को जन्म दे सकते हैं. राधिका आप्टे ने पीरियड्स पर बात करते हुए कहा था, मुझे वो दिन याद है जब मुझे पीरियड्स होना शुरू हुए थे. मैं क्लास के बीच में ही बाथरूम चली गई थी. मुझे जिस दिन पहली बार पीरियड हुआ मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी. अपने एक इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने कहा था कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी पीरियड्स के बारे में बात करने से कतराती हैं. लड़कियों की माँ उन्हें पीरियड्स के बारे में बात ना करने के बारे में कहती है, मंदिर और किचन में ना जाने से मना करती हैं. तो पीरियड्स का टैबू सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी है. श्रद्धा कपूर भी पीरियड्स के बारे में अपनी राय सामने रख चुकी हैं. श्रद्धा ने कहा था, मुझे याद है कि मैं भी ओपनली पीरियड्स के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन हाँ मुझे ये याद है कि यदि पीरियड्स में मैं अपने स्कूल के लड़कों को चिढ़ाती थी, मैं उनसे जब भी कहती थी कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो वो लोग शर्मा जाते थे और मुझे बड़ा मजाक बनवाते थे.